देखेंगे सिर्फ समाचार। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज। पनवाड़ी महोबा थाना पनवाड़ी में एसडीएम व सीओ की मौजूदगी में पीस कमेटी की बैठक आहूत की गई, जिसमें थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम पांडे और पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। बैठक में क्षेत्र के संभ्रांत लोगों को बुलाकर अयोध्या के आने वाले फैसले को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। ये भी कहा गया कि फैसला कुछ भी आए उसे साथ सम्मान स्वीकार करें, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया ना करें, खुशी या गम जो भी हो उसे अपने घर तक सीमित रखें, नारेबाजी डीजे व पटाखे ना छोड़े, ना ही समाज में ऐसा कोई कार्य करें जिससे कि अराजकता फैले। बैठक में ग्राम प्रधान पनवाड़ी संजय द्विवेदी, अलीपुरा प्रधान हीरालाल कौशल, किशोर मिश्रा नकरा एवं एहसान फिरोज, आजमी राजू नगर, फिरदोस हासमी एवं पत्रकार संतोष कौशिक, सूरज पटेरिया, राकेश दीक्षित, रघुनंदन अग्निहोत्री, जमाल अहमद कुरैशी, वकील अहमद घायल, सलमान खान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। महुआ से जिला संवाददाता संतोष कौशिक की खास रिपोर्ट। अलग बात है कि प्रशासन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता आप ही लोग की भलाई के लिए, तो इस पर ध्यान रखें। किसी तरह कोई मैसेज आए किसी तरह की, तो पहले चेक करें कि सही है या गलत, अफवाह है क्या। अगर अफवाह है खंडन करते हैं, और लोगों को समझाना है कि अफवाह है, गलत खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर मान लीजिए कोई छोटी घटना हो भी जाती है और आता है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप फेसबुक पर, तो उसको अपनी तरफ से रिएक्ट नहीं होना है, रिएक्शन नहीं देना है, अपनी तरफ रिएक्ट नहीं करना है, उसको पुलिस और प्रशासन को पहले बताना है, नहीं तो कोई बात हो गई तो अपनी तरफ से रिएक्शन देने चले गए सब लोग। ऐसे इंस्पेक्टर साहब को बताएं, सीओ साहब को बताएं, हमें बताएं, जिले पर बताएं, बताएं लोगों को, पुलिस और प्रशासन को बताएं, अपनी तरफ से इसको रिएक्शन ना दें। अगर किसी के पक्ष में आता है, किसी ना किसी पक्ष में बता दिया, और मैंने ये सब त्यौहार देख लिया, मैं इसलिए वहाँ पनवाड़ी में आता हूँ। हमने कहा नहीं, मैं बैठ करके पहले देख लूँ कि जो मैं सुनने को आती है कि क्या ताजी वहाँ तक जाते हैं काली मंदिर का, बड़ी माता के या इधर कहीं सुनकर रहते हैं। मैंने कहा मैं इसको देखूँगा, आपने देखा हो ऐसे बैठा हुआ, इसीलिए रात रात भर रुका रहा देखते रहा, तो वाकई में ही आपके साथ में रहा।